जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीआरबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अर्जुन बर्मन आज आपको कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आज के जितने भी क्वेश्चन आपको मैं कराने जा रहा हूं, वो फ्रेंड्स आपको आगामी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। आज का क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी फ्रेंड्स इस वीडियो को अच्छे से देखें। आइए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको आगामी जितने भी हमारी वीडियो होंगी वो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुंच जाए। आइए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषाएँ कौन सी हैं? तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर में हमारी मशीनी भाषा, असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा प्रयोग होती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा फ्रेंड्स, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर को हम हिंदी में संगणक कहते हैं। फ्रेंड्स, क्या कहते हैं? संगणक। कुछ छात्र इस क्वेश्चन को नहीं जानते होंगे कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आज फ्रेंड्स इसको जान लें, कंप्यूटर को हम हिंदी में संगणक कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, मॉडेम का पूरा नाम क्या है? इन मॉडेम की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स? तो मॉडेम की हमारी जो होती है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम को हम जो संक्षिप्त जो रूप होता है मॉडेम का फ्रेंड्स, तो वो होता है हमारा मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। क्वेश्चन नंबर 4, विंडोज़ एक्सपी में एक्सपी का क्या मतलब है? तो फ्रेंड्स, विंडोज़ एक्सपी में जो एक्सपी का मीन्स होता है, तो फ्रेंड्स वो होता है हमारा एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर भाषा की कंप्यूटर किस भाषा में कार्य करता है? तो फ्रेंड्स, वो हमारा करता है मशीनी भाषा में, हमारा कंप्यूटर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, कंप्यूटर में कौन सा भाग गणना और तुलना के लिए उपयोग होता है? तो फ्रेंड्स, होता है हमारा ALU। तो फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है, ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? तो फ्रेंड्स, ALU की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, यदि कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हो तब वहाँ क्या कहलाएगा? यानी फ्रेंड्स, कंप्यूटर में यदि एक से अधिक प्रोसेसर हो रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो उसको हम कहते हैं मल्टी प्रोसेसर। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको फ्रेंड्स? हम बोलते हैं मल्टी प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स हमारा, वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्रामों को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, जो भी हम वेबसाइट यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो फ्रेंड्स उसको हम ओपन करते हैं, तो यू नो वेरी वेल उसको हम जो चलाते हैं यानी ओपन करते हैं, तो उसको हम करते हैं ब्राउज़र में ओपन करते हैं। कोई भी वेबसाइट हो फ्रेंड्स, वो हमारी विदाउट ब्राउज़र के वो ओपन नहीं हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स हमारा, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगी। फ्रेंड्स, यदि किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं होगी तो वह बूट नहीं कर पाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, कंप्यूटर बूट का मीन्स क्या होता है? यानी कंप्यूटर यदि स्टार्ट नहीं हो पाएगा तो फ्रेंड्स वो किस चीज़ के लिए स्टार्ट नहीं हो पाएगा? वो होगा ऑपरेटिंग प्रणाली। यदि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं रहेगी तो फ्रेंड्स वह बूट नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा फ्रेंड्स 10 है, स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? उसको दोस्तों हम बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। हम उसको रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स हमारा, वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है कहलाती है, उसको फ्रेंड्स हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम यूज़र फ्रेंडली। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन जो आपको मैं आपको कराने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको ये सारे ही क्वेश्चन आपको
एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, ये मेरा दावा है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, फ्रेंड्स जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोग होता है उसे कहते हैं, उसको फ्रेंड्स हम बोलते हैं सर्च इंजन। क्या बोलते हैं उसको हम? उसको बोलते हैं हम सर्च इंजन। क्वेश्चन नंबर हमारा है 13, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका है। तो कौन सा तरीका है फ्रेंड्स हमारा? वो होता है हमारा फाइंड कमांड का उपयोग करना। यानी जो हमारा डॉक्यूमेंट में हम जो विशिष्ट शब्द मुहावरे को ढूंढने में उपयोग करते हैं वो कौन सा है? वो होता है हमारा फाइंड कमांड का उपयोग करना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, क्वेश्चन नंबर 14, ब्रोशर पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोग होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? वो हमारा होता है फ्रेंड्स डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो दोस्तों अगर यदि हमारी वीडियो सही लग रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लगातार सब्सक्राइब भी करते रहें। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है? तो उसमें हम किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं यदि हम स्लाइड शो बनाते हैं? तो उसमें हम करते हैं पावर पॉइंट का फ्रेंड्स इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, जंक ईमेल का अर्थ होता है जो हमारी ईमेल इनबॉक्स में नहीं प्रदर्शित होती है वो हमारी स्पैम में पहुंच जाती है, उसे ही हम जंक ईमेल कहते हैं फ्रेंड्स। उसको हम क्या बोलते हैं? जंक ईमेल को हम किस नाम से जानते हैं? उसको बोलते हैं स्पैम के नाम से। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा फ्रेंड्स, सीडी और रोम का पूर्ण रूप क्या है? यानी सीडी और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स? ये हमारी होती है, सीडी की जो हमारी फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स, ये होती है हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, और रोम की फुल फॉर्म होती है हमारी रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी जो हमारी होती है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, जीबी का संक्षिप्त रूप है, जीबी को यानी जीबी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? वो होती है हमारी फ्रेंड्स गीगाबाइट। क्या होती है हमारी? गीगाबाइट। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है फ्रेंड्स, फंक्शन कुंजी कौन सी होती है? फ्रेंड्स कीबोर्ड में जो F1, F2, F3 ऐसे करके फ्रेंड्स जो F12 तक होती है, यानी 12 कुंजियां जो हमारी होती हैं, यानी यदि क्वेश्चन यहां से एक और बन जाता है कि फंक्शन कुंजियां कितनी होती हैं, तो फ्रेंड्स तो हमारी फंक्शन कुंजियां टोटल 12 होती हैं। और फंक्शन कुंजियां कौन कौन सी होती हैं? F1, F2, F3, F4 आदि, ये F12 तक फ्रेंड्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर करते हैं फ्रेंड 20, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तो फ्रेंड्स उसका जो हम इस्तेमाल करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम एड्रेस बुक। ईमेल के एड्रेस को याद करने से बचने के लिए फ्रेंड्स एड्रेस बुक का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है फ्रेंड्स, 21 है पास्कल क्या है? पास्कल फ्रेंड्स ये होता है हमारा, पास्कल कंप्यूटर की एक भाषा है। क्या है ये? कंप्यूटर की एक भाषा होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा है फ्रेंड्स 22, 8 लगातार बिटों के समूह को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बाइट। यानी 8 लगातार यदि बिट जो होते हैं उनके समूह को हम क्या बोलते हैं? बाइट कहते हैं। यानी 1 byte बराबर 8 बिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 23, वेब स्पाइडर क्या है? तो उसको बोलते हैं फ्रेंड्स, उसको हम बोलते हैं सर्च इंजन। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम सर्च इंजन। वेब स्पाइडर हमारा सर्च इंजन होता है। क्वेश्चन नंबर 24,
फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम करा ऊपर हमने ये करा दिया है कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती हैं। तो फ्रेंड्स कितनी होती हैं हमारी कीबोर्ड में हमारी 12 फंक्शन की होती हैं जो F1, F2, F3 ऐसे करके F12 तक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड्स, फोटोशॉप क्या है। फोटोशॉप फ्रेंड्स ये नॉर्मली एक क्वेश्चन है। फोटोशॉप हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फ्रेंड्स। इस फोटोशॉप में हम कंप्यूटर में एडिटिंग फोटोग्राफी में हम आसानी से कर सकते हैं, इसे ही हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, यानी फोटोशॉप कहते हैं। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड्स। तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को कंप्यूटर भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर हमारा है 27, वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहते हैं, यानी उसके जो वह जो सर्किट है जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगी होती है, जिसमें सर्किट बॉक्स होता है उसे क्या कहते हैं। उसको फ्रेंड्स हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। वह क्या होता है, वो होता है हमारा मदरबोर्ड जिसमें सीपीयू व अन्य चिपें लगे रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 फ्रेंड्स, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स किसका होता है, ये होता है हमारा एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 29, ईडीपी क्या है। ईडीपी की फुल फॉर्म फ्रेंड्स क्या होती है, ईडीपी की फुल फॉर्म होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी ईडीपी की इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 30 फ्रेंड्स, वीडियो अच्छे लगते रहे तो वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर में केबी का पूर्ण रूप क्या है। तो फ्रेंड्स केबी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है हमारा किलोबाइट। केबी की जो फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स वो होती है हमारी किलोबाइट। क्वेश्चन नंबर 31, HTML का पूर्ण रूप क्या है, यानी HTML की फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स। तो HTML की जो फुल फॉर्म होती है हमारी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मोस्टली देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर, इसको आप नोट कर लेना, इसको याद कर लेना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML की फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 32, URL किसका संक्षिप्त रूप है, यानी URL की फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स। URL की फुल फॉर्म होती है हमारी फ्रेंड्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जी हाँ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL की फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 33 फ्रेंड्स, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। तो फ्रेंड्स प्रिंटर जो हमारा होता है, नॉर्मल क्वेश्चन है, प्रिंटर होता है हमारा आउटपुट डिवाइस। ये होता है हमारा आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 34, कंपाइलर क्या है फ्रेंड्स। तो कंपाइलर फ्रेंड्स क्या होता है हमारा, कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में अनुवाद करना कंपाइलर कहलाता है। यानी जो कंपाइलर होता है वो हमारा उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है, वह ही हमारा कंपाइलर कहलाता है। तो फ्रेंड्स लास्ट का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। सभी क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको आगामी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर है हमारा 35, यदि कंप्यूटर खुद को बार बार रिबूट करता रहता है तो संभावना है, किस चीज़ की संभावना फ्रेंड्स। यदि, यानी कहने का तात्पर्य ये है क्वेश्चन का, यदि क्वेश्चन बार बार स्टार्ट हो रहा है और फिर बंद हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है फिर बंद हो रहा है, तो फ्रेंड्स कंप्यूटर में क्या है। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर में वायरस है। यदि आपका कंप्यूटर भी ऐसा कर रहा है कि बार बार स्टार्ट हो रहा है और बंद हो रहा है, तो फ्रेंड्स उस कंप्यूटर में या लैपटॉप में वो आपका वायरस है। तो फ्रेंड्स ये हमारी छोटी सी क्लास थी। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आगामी जितनी भी क्लासेस हमारी होंगी, जिससे कि आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों हमारा चैनल है PRB Academy के चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको यहां से अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिले, जो आपको आगामी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में सहायता प्रदान कर सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।